हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आप सब लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं 7th क्लास सिविक्स का चैप्टर नंबर 6 और इसका नाम है मीडिया एंड एडवर्टाइजिंग। इस चैप्टर में हम लोग ये जानने वाले हैं कि मीडिया का हमारे जीवन में क्या रोल है और उसी के साथ साथ में मीडिया जो बार बार एडवर्टाइजिंग करता है उसका भी हमारे जीवन में क्या फर्क पड़ता है। ये चैप्टर बहुत ही शानदार होने वाला है, तो चलो करते हैं इस शानदार वीडियो की शुरुआत। मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आपका सबसे फेवरेट टीवी प्रोग्राम कौन सा है। यहाँ पे बहुत सारे प्रोग्राम आप सामने देख सकते हैं, जरूर इनमें से कोई ना कोई एक टीवी सीरियल आपका फेवरेट होगा। या फिर रेडियो में आप क्या सुनना पसंद करते हैं, या किस न्यूज़पेपर या मैगजीन को आप पढ़ना पसंद करते हैं। इंटरनेट तो आप बिल्कुल सर्फ करते होंगे, जब भी आप इंटरनेट सर्फ करते हैं तो उसमें भी बहुत सारी चीजें आप लोग देखते हैं। तो रेडियो को सुनना, टीवी को देखना, न्यूज़पेपर पढ़ना, इंटरनेट को सर्फ करना, ये जो सारी चीजें हैं किसी न किसी प्रकार से कम्युनिकेशन की फॉर्म्स हैं। और इनको अगर हम एक कंबाइंड रूप में ले लें तो इसे हम कह सकते हैं मीडिया। इस चैप्टर में हम लोग मीडिया के बारे में पढ़ने वाले हैं कि मीडिया का हमारे जीवन में क्या महत्व है और किस कारण से ये हमारे जीवन में बहुत अधिक प्रभाव लेके आता है। एक छोटे से छोटे मेले में आप कोई भी छोटे से छोटे स्टॉल को देखते हैं, या फिर टीवी में किसी न किसी बड़े प्रोग्राम में आप कोई भी चीज देखते हैं, वो सारी चीजें एक तरह से मीडिया है। मीडिया जो है मीडियम का प्लूरल फॉर्म है और इसका मतलब है कि हम किस प्रकार से हमारी सोसाइटी में कम्युनिकेट करते हैं। मीडिया जो है वो रेफर करता है जितने भी कम्युनिकेशन के साधन हैं उन सारों को, जैसे कि आप सामने देख सकते हैं आपके इंटरनेट, टेलीविजन, रेडियो, मैगजीन, न्यूज़पेपर, ये सारे मीडिया के पार्ट्स हैं। और ये जो सारी चीजें हैं ये मिलियंस लोगों के पास में जाती है और इसी के कारण से इसको मास मीडिया कहा जाता है। मास का मतलब जहाँ पे बहुत सारे लोग एक साथ में जुड़ जाते हैं। और आप ये भी जानते होंगे कि मीडिया के कारण से आप इस दुनिया के अलग अलग हिस्सों से जुड़ जाते हैं। मीडिया एंड टेक्नोलॉजी, आप अपने जीवन को मीडिया के बिना थोड़ा सा असहज महसूस करेंगे। ऐसा भी लग सकता है आपको कि मीडिया के बिना हमारे जीवन को चलाना थोड़ा नहीं बहुत अधिक मुश्किल है। जैसे कि केबल टेलीविजन और इंटरनेट का यूज है वो आजकल बहुत अधिक देखने को मिल रहा है। और पिछले लगभग 20 सालों की बात की जाए तो 20 सालों से पहले इनका यूज कम था, लेकिन अभी ये जो टेक्नोलॉजी में डेवलपमेंट हुआ है इसके कारण से इसका यूज जो है बहुत अधिक बढ़ता जा रहा है। और इसी के कारण से ये जो मीडिया है वो मास मीडिया का रूप लेता जा रहा है। न्यूज़पेपर, टेलीविजन, रेडियो, ये जो है ये मिलियंस लोगों के पास में पहुंचते हैं और इसी के कारण से इस टेक्नोलॉजी को बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है। हम बहुत सारे न्यूज़पेपर और मैगजीन्स के बारे में भी पढ़ते हैं जिसे प्रिंट मीडिया का हिस्सा माना जाता है, और टीवी और रेडियो जो है वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का हिस्सा है। इन्हें प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया इसलिए कहा जाता है क्योंकि इनमें अलग अलग प्रकार की टेक्नोलॉजी काम में ली जाती है और इसी के कारण से इन्हें अलग अलग नाम दिए जाते हैं। लेकिन फिर भी आप आसानी से समझ सकते हैं किस प्रकार से पहले के जमाने और आधुनिक समय में मीडिया के जो ये साधन है वो बदलते जा रहे हैं। बदलती हुई टेक्नोलॉजी, मशीन्स और इनके कारण से मीडिया जो है वो बहुत अधिक लोगों तक पहुंच पा रहा है और इसने अपनी साउंड क्वालिटी, इमेज क्वालिटी को भी बहुत अधिक बढ़ा लिया है। और इसी के कारण से इस टेक्नोलॉजी ने मीडिया को बहुत अधिक व्यक्तियों को आकर्षित करने के लिए मजबूर कर दिया है। इसके कारण से दुनिया के बारे में हमारी जो सोच है उसमें बहुत अधिक बदलाव आता है। जैसा कि हम हमारे जीवन को टीवी के बिना अधूरा समझते हैं और टीवी ने हमारी सोच को बहुत विस्तृत कर दिया है और उस पूरी दुनिया को एक सूत्र में बांध दिया है और हमें भी इस दुनिया का हिस्सा बना दिया है। टेलीविजन की जो इमेज होती है वो सैटेलाइट और केबल्स के द्वारा बहुत दूर से हमारे पास पहुंचती है और इसी के कारण से हम दुनिया के अलग-अलग हिस्सों में होने वाले एंटरटेनमेंट एक्टिविटीज और दूसरी
इंफॉर्मेशंस या इवेंट्स को आसानी से देख पाते हैं। आप अधिकतम जो कार्टून्स देखते हैं वो जापान या यूनाइटेड स्टेट्स से बिलोंग करते हैं, लेकिन उन्हें हम यहाँ पे अपनी भाषा में देख सकते हैं। यही हमारी मीडिया और टेक्नोलॉजी का कमाल है। इंडिया के किसी भी कोने में, चाहे चेन्नई, जम्मू या किसी अन्य कोने में हो, लेकिन फिर भी अमेरिका या दुनिया के किसी भी कोने में किसी प्रकार का भूकंप या कोई भी घटना घटती है, तो आप आसानी से उसका लाइव टेलीकास्ट भी देख सकते हैं। तो हम ये भी कह सकते हैं कि टेलीविजन ने इस दुनिया को बहुत नजदीक ला दिया है। मीडिया एंड मनी। अलग अलग प्रकार की टेक्नोलॉजी जो मास मीडिया यूज करती है वो बहुत अधिक एक्सपेंसिव होती है। जैसा कि आप टीवी स्टूडियो को देख सकते हैं, उसमें न्यूज रीडर बैठते हैं, वहां लाइट्स होती है, कैमराज होते हैं, साउंड रिकॉर्डर्स होते हैं, ट्रांसमिशन सैटेलाइट्स होते हैं, और ये सारी जो चीजें होती हैं उनमें बहुत अधिक पैसा खर्च होता है। उसी के साथ साथ में न्यूज रीडर के साथ साथ में बहुत सारे अन्य वर्कर्स भी काम करते हैं, और इन सब चीजों को करने में बहुत सारा पैसा लगता है। मास मीडिया को बदलती हुई टेक्नोलॉजी के साथ में अपने आप को अपडेट करना पड़ता है, और उसके अंदर बहुत सारा पैसा खर्च होता है। अब इन्हें इस पैसे की भी व्यवस्था करनी होती है, और इसी के कारण से बड़े बड़े जो बिजनेस हाउस हैं वो ही इन टेलीविजन चैनल्स और न्यूज़पेपर्स को चलाते हैं। मास मीडिया हमेशा इस बारे में विचार करता है कि किस प्रकार से वो अपना खर्चा निकाले और पैसा बनाए, और इसी प्रकार का एक जरिया है एडवर्टीजमेंट। जैसा कि आप जब भी अपने फेवरेट सीरियल्स, मूवी या क्रिकेट मैच को देखते हैं, तो उसमें बार बार कार्स, चॉकलेट्स, क्लोथ्स, मोबाइल फोन आदि के एडवर्टीजमेंट आपको देखने को मिलते हैं, और इन्हें इतनी बार आपको दिखाया जाता है कि आप मजबूर हो जाते हैं मार्केट में जाने के बाद में इनको खरीदने के लिए। मीडिया एंड डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी में मीडिया का बहुत बड़ा रोल होता है। जिस प्रकार से किसी भी घटना को ये लोग डिस्कस करते हैं, और उसी के साथ साथ में जब भी कोई घटना घटती है तो बड़े बड़े लोगों को अपने अपने विचार रखने के लिए ये लोग बुलाते हैं, और वहां पे बिना किसी दबाव के ये अपने विचार रखते हैं, और ये भी डिस्कस करते हैं कि गवर्नमेंट किस तरह से काम कर रही है या उसे किस तरह से काम करना चाहिए। और इसी मीडिया के कारण से कई बार गवर्नमेंट और उनसे जुड़े हुए मिनिस्टर्स पे दबाव पड़ता है कि वो जो सही काम है या जनता के लिए जो आवश्यक कदम है उसे उठाए। मीडिया एक बहुत बड़ा रोल अदा करती है जनता की डिमांड को गवर्नमेंट तक पहुंचाने में, लेकिन मीडिया के साथ में एक बहुत बड़ी समस्या है, उसका बैलेंस होना। अगर मीडिया बैलेंस नहीं होता है तो उसकी जो खबर है वो पूरी तरह से सही नहीं होती है, और उसका झुकाव एक विशेष तरफ हो जाता है। यहाँ पे आप एक न्यूज को दो अलग अलग न्यूज़पेपर में पढ़ने वाले हैं, और उससे हम लोग समझेंगे कि किस प्रकार से एक ही घटना को दो न्यूज़पेपर्स ने अलग अलग तरीके से रखा है। ये दो न्यूज कटिंग्स हैं, न्यूज ऑफ इंडिया रिपोर्ट की और इंडिया डेली रिपोर्ट की। हम पहली को देखते हैं, उसमें लिखा गया है क्रैक डाउन ऑन पोल्यूटिंग फैक्ट्रीज। जो फैक्ट्रीज पोल्यूशन कर रही है उनको क्रैक डाउन, उनको बंद किया जाना। प्रोटेस्टर्स ब्लॉक रोड्स एंड डिसरप्ट ट्रैफिक। प्रोटेस्ट करने वाले, विरोध करने वाले लोगों ने रोड को ब्लॉक कर दिया और ट्रैफिक को डिसरप्ट एंड डिस्टर्ब कर दिया, उसे भी ब्लॉक कर दिया। इस खबर में बताया गया है बहुत सारे वॉयलेंट प्रोटेस्टर्स और बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज के जो ओनर्स हैं और उसी के साथ में जो वर्कर्स हैं, उन्होंने आज आम जनजीवन को पूरी तरह से प्रभावित कर दिया। वो सड़कों पे आ गए और उन्होंने ट्रैफिक को रोक दिया। ये जो ओनर्स और वर्कर्स हैं, उन्होंने गवर्नमेंट का जो डिसीजन है इन फैक्ट्रियों को बंद करने का, उसका विरोध कर रहे थे। हालांकि गवर्नमेंट ने ये जो निर्णय है ये बहुत जल्दबाजी में लिया था, और गवर्नमेंट ने ये भी स्टडी नहीं किया कि कौन कौन सी फैक्ट्रीज लीगल हैं और कौन कौन सी फैक्ट्रीज इलीगल हैं। लेकिन हमें यहाँ पे ये बात भी जाननी होगी कि शहर में बढ़ते हुए पोल्यूशन के कारण से इन्हें बंद किया गया है। मिस्टर जैन, जो कि शहर के एक प्रचलित व्यक्ति हैं, उन्होंने कहा है हमारा शहर जो है वो इंडिया के जो बड़े बिजनेस हब है उनमें से एक है, इसलिए हमारे शहर को
क्लीन और ग्रीन सिटी होना चाहिए, और इस तरह की जो पोल्यूटिंग फैक्ट्रीज है उन्हें हमें हटा देना चाहिए, और फैक्ट्री के जो ओनर्स और वर्कर्स हैं उन्हें गवर्नमेंट के द्वारा प्रदान की गई नई जगह को स्वीकार कर लेना चाहिए। तो ये रिपोर्ट थी पहले न्यूज़पेपर की। अब दूसरे न्यूज़पेपर की जो रिपोर्ट है उस पर थोड़ा सा नज़र डालते हैं। उसमें लिखा गया है, क्लोजर ऑफ फैक्ट्रीज कोजेस अनरेस्ट, कि फैक्ट्रीज को जो बंद किया गया है उसके कारण से अनरेस्ट, यानी कई लोग बेचैन परेशान तकलीफ में हैं। 1 लाख से अधिक जो फैक्ट्रीज हैं जो कि रेसिडेंशियल एरियाज में थी, उनको बंद करना एक बहुत बड़ा इशू बन गया है। मंडे के दिन बहुत सारे फैक्ट्री ओनर्स और वर्कर्स जो है वो स्ट्रीट्स पे आ गए थे और प्रोटेस्ट करने लगे थे। उन्होंने कहा कि उनका जीवन यापन का जो साधन है वो जा चुका है और इसमें उनका कोई भी कसूर नहीं है। उन्होंने कहा कि म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की पूर्णतः गलती है, क्योंकि उन्होंने अगर इन फैक्ट्रीज को अगर लाइसेंस दिए हैं तो फिर इन्हें किस आधार पे प्रतिबंधित किया गया है। और वर्कर्स और फैक्ट्री के ओनर्स ये भी कह रहे हैं जो नई जगह उन्हें दी जा रही है वो जगह भी सही नहीं है और वहां पे अच्छी फैसिलिटीज भी नहीं है। अब अगर इन दोनों रिपोर्ट्स को हम लोग पूरी तरह से अध्ययन करते हैं तो आप इन दोनों रिपोर्ट से ये समझ सकते हैं कि एक न्यूज़पेपर में एक पक्ष रखा गया है जबकि दूसरे न्यूज़पेपर में दूसरी पार्टी का पक्ष रखा गया है। तो बहुत बार न्यूज़पेपर्स में इस तरह की घटनाएं होती रहती है कि वो एक पार्टी की तरफ झुक जाते हैं और दूसरी पार्टी की खबर को कम इम्पोर्टेंस देते हैं, या दूसरी पार्टी की तरफ झुक जाते हैं और पहली पार्टी को कम इम्पोर्टेंस देते हैं। इस तरह का व्यवहार मीडिया से अपेक्षित नहीं है। मीडिया को हमेशा बैलेंस्ड रिपोर्ट देनी चाहिए ताकि आम जनता को ये पता लग सके कि वास्तव में क्या हो रहा है, और जो रीडर्स हैं उन्हें भी इस प्रकार की स्टोरी को पढ़ने के बाद में अपना नजरिया बनाने से पहले ये जान लेना चाहिए कि वास्तव में ये रिपोर्ट पूरी तरह सही है या नहीं है। मीडिया को इंडिपेंडेंट होना चाहिए। इंडिपेंडेंट होगा तो मीडिया के द्वारा दी गई जो इंफॉर्मेशन होगी वो रिलायबल होगी और एक पार्टी की तरफ उसका झुकाव नहीं होगा। लेकिन वास्तविकता ये है कि मीडिया कभी भी इंडिपेंडेंट नहीं होता है। इसके पीछे दो कारण हैं। पहला कारण है, मीडिया के ऊपर गवर्नमेंट का कंट्रोल होता है। गवर्नमेंट बहुत बार बहुत सारी न्यूज आइटम, सीन्स या लिरिक्स जो कि एक गाने में होती है उन्हें बैन कर देती है ताकि एक विशेष समुदाय या विशेष समूह को किसी प्रकार का कोई नुकसान ना पहुंचे और उनकी भावनाओं को ठेस ना पहुंचे, और इसी को सेंसरशिप कहा जाता है। बहुत बार हमारी गवर्नमेंट ने सेंसरशिप मीडिया पे लगाई है और इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है 1975 से 1977 के समय में जो इमरजेंसी लगी थी। वो टीवी हमारे साथ क्या करता है और हम टीवी के साथ क्या कर सकते हैं? हमारे घरों में हम टीवी के साथ बहुत अधिक समय व्यतीत करते हैं और इसी के कारण से हमारी सोच जो है वो टीवी से बहुत अधिक प्रभावित रहती है। ये हमारे लिए दुनिया का एक आईना है और ये हमें बहुत अधिक प्रभावित करता है। हम बहुत सारे टीवी सीरियल्स जैसे कि सास भी कभी बहू थी, गेम शोज, कौन बनेगा करोड़पति, रियलिटी शोज जैसे कि बिग बॉस, न्यूज, स्पोर्ट्स, कार्टून्स देखते हैं और उनके कारण से हमारे अंदर बहुत अधिक बदलाव आता है। इन शोज के पहले, बीच में और बाद में बहुत सारे एडवर्टीजमेंट आते हैं। जैसा कि ये टीवी शोज है वो बहुत महंगे होते हैं, इसी के कारण से इनमें इन एडवर्टीजमेंट को बार बार दिखाया जाता है। क्या आप सोचते हैं कि इससे गरीब और अमीर लोगों के जीवन पे कोई फर्क पड़ता है? टीवी जो हमारे साथ करता है और हमारा जो नजरिया बदलता है, हमारे विश्वास, एटीट्यूड और वैल्यूज में जो बदलाव लाता है उसके बारे में हमें सोचना होगा। हमें ये जानना होगा कि ये टीवी जो है ये पूरी दुनिया नहीं है,
ये पूरी दुनिया का एक छोटा सा हिस्सा है। जब भी हम बड़े बड़े सेलिब्रिटीज और उनके प्रोग्राम को देखते हैं तो हम उनके जैसा बनना और करना चाहते हैं, जबकि वास्तविकता ये नहीं है। हमें अपना दिमाग लगाना चाहिए और समझदारी भरे कार्य करने चाहिए। गवर्नमेंट अक्सर मूवीज को सेंसर करती है, लेकिन मीडिया कवरेज को गवर्नमेंट कभी भी सेंसर नहीं करती है। गवर्नमेंट की सेंसरशिप के अभाव के कारण अधिकतम जो न्यूज़पेपर्स हैं वो अभी भी बैलेंस्ड स्टोरीज जो है वो प्रोवाइड नहीं करवा पाते हैं। और इसका एक सीधा सा उदाहरण है कि जितने भी बड़े बड़े बिजनेस हाउसेस हैं वो मीडिया को कंट्रोल करते हैं, और बड़े बड़े जितने भी मीडिया के सोर्सेज हैं उन्हें इनसे बहुत अधिक पैसा मिलता है एड्स के रूप में। और इसी कारण से जब भी उनके खिलाफ कोई खबर छापनी होती है तो वो उससे बचने का प्रयास करते हैं। सेटिंग एजेंडास, मीडिया ये भी डिसाइड करती है कि किस स्टोरी पे फोकस करना चाहिए और कौन सी स्टोरी ऐसी है जो काम की नहीं है। जैसे कि किसी स्कूल का एनुअल फंक्शन होता है तो कई बार वहां कोई न्यूज नहीं बनती है, लेकिन उसी स्कूल के एनुअल फंक्शन में जब कोई बड़ी सेलिब्रिटी आती है तो अपने आप वो न्यूज चैनल्स में बार बार दिखाया जाता है। मीडिया हमारे जीवन में बहुत बड़ा रोल अदा करता है, हमारे विचारों को बहुत अधिक प्रभावित करता है, इसीलिए इसे सेट द एजेंडा कहा जाता है। इसका मतलब ये एजेंडा को सेट करता है। कुछ ही दिनों पहले मीडिया ने हमारा ध्यान एक बहुत ही विशेष महत्वपूर्ण मुद्दे की तरफ खींचा था, जिसमें ये बताया गया कि जितने भी ये कोला ड्रिंक्स और कोल्ड ड्रिंक्स है उनमें पेस्टिसाइड्स बहुत अधिक मात्रा में काम में लिया जा रहा है और इन पे एक मॉनिटरिंग होनी चाहिए। आप देख सकते हैं कि आपके सामने जितनी भी ये कोल्ड ड्रिंक्स है उनमें कितनी परसेंटेज में पेस्टिसाइड्स देखने को आपको मिलती है। और ऐसी स्टोरीज को छाप के मीडिया अपनी पॉजिटिव इमेज जो है वो हमारे सामने लेके आता है। अगर मीडिया ने ये बातें हमारे सामने नहीं रखी होती तो हमें इन बातों का पता भी नहीं चल पाता। लेकिन कई बार मीडिया जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट जो मुद्दे हैं उन्हें छापने से दूर रहता है। जैसे कि पीने का साफ पानी जो है वो हमारे देश के कई हिस्सों में अभी भी उपलब्ध नहीं है, और ये एक बहुत बड़ी समस्या है। हजारों की संख्या में लोग साफ पानी नहीं पी पाते हैं और मीडिया कभी भी इस बात पे फोकस नहीं करता है। एक बहुत प्रसिद्ध जर्नलिस्ट ने फैशन वीक में कौन-कौन से कपड़े डिस्प्ले किए ये जरूर हेडलाइंस में आ जाएगा, लेकिन एक झुग्गी झोपड़ी में कोई भी दुर्घटना घटी है वो इस न्यूज़पेपर में किसी भी कोने में नहीं आएगा। मीडिया को डेमोक्रेसी का सिटीजन माना जाता है, इसी के कारण से हमारे जीवन में इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। मीडिया ये डिसाइड करती है कि किस मुद्दे पे फोकस करना चाहिए और किस मुद्दे को छोड़ देना चाहिए। बहुत बार गवर्नमेंट जो है वो मीडिया पे सेंसरशिप लगाती है। आजकल मीडिया का बिजनेस हाउसेस के साथ में लिंक बहुत अधिक बढ़ गया है, इसलिए बैलेंस रिपोर्ट आना बहुत ही मुश्किल हो चुका है। अगर हमें फैक्चुअल इंफॉर्मेशन को जानना है तो मीडिया के द्वारा दी गई इंफॉर्मेशन को जानने के बाद में हमें अपने आप से कुछ सवाल पूछने चाहिए कि ये जो इंफॉर्मेशन मुझे दी गई है क्या ये पूरी है, क्या इसका कोई दूसरा नजरिया भी है, या इसका कोई पॉइंट छूटा तो नहीं है, और अगर छूटा है तो वो क्यों छूटा है। लोकल मीडिया, बड़े बड़े मीडिया हाउस जो है वो छोटे छोटे विलेजेज या छोटी छोटी जगह की न्यूज को पब्लिश नहीं करते, इसी कारण से बहुत सारे ऐसे लोकल मीडियाज हैं जो अपने अपने क्षेत्र में काम करते हैं और वहां की जो छोटी छोटी खबरें हैं उन्हें पब्लिश करते हैं। इसे हम लोग लोकल मीडिया कहते हैं। बहुत सारे लोग रेडियो को यूज करते हैं किसानों को बताने के लिए अलग अलग फसलों के बारे में, अलग अलग सीड्स और फर्टिलाइजर्स के बारे में बताने के लिए, और बहुत सारे लोग डॉक्यूमेंट्री फिल्म्स बनाते हैं जो काफी सस्ती होती है और जो गरीब लोगों पे आधारित होती है ताकि लोग उनके बारे में जान सके और उनकी समस्याओं का निवारण हो सके। इसी प्रकार का एक न्यूज़पेपर है खबर लहरिया, जो कि
15 दिन से पब्लिश होता है। ये 8 दलित महिलाओं के द्वारा उत्तर प्रदेश के चित्रकूट डिस्ट्रिक्ट में पब्लिश किया जाता है और ये वहाँ की लोकल लैंग्वेज बुंदेली में पब्लिश होता है। और इसमें दलित लोगों के इश्यूज और महिलाओं के खिलाफ जो वॉयलेंस होती है वो और पॉलिटिकल करप्शन आदि मुद्दे देखने को मिलते हैं। ये न्यूज़पेपर फार्मर्स, शॉपकीपर्स, पंचायत मेंबर्स, स्कूल टीचर्स और आसपास के जो पढ़े लिखे लोग होते हैं उन सबके पास पहुंचता है। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ ये चैप्टर आपको पसंद आया होगा। इस क्लास के और चैप्टर्स देखने के लिए और साथ ही साथ अन्य सब्जेक्ट्स को देखने के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।